आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक बड़ा ही रहस्यमय और अद्भुत कमेंट है, और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर जिनका नाम श्रीमान मुनेश यादव जी है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में निवास करते हैं। और उनका जो क्वेश्चन है बड़ा ही अद्भुत है। वो पूछते हैं कि गुरुजी, क्या बाथरूम में नग्न स्नान करना चाहिए? क्या बाथरूम में नग्न स्नान करने से कोई नुकसान होता है या कोई लाभ होता है? गुरुजी, इस पर आप अवश्य प्रकाश डालें। तो देखिए श्रीमान मुनेश यादव जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही आपने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा ही रोचक और ज्ञान युक्त है। आप जानना चाहते हैं कि क्या नग्न स्नान किया जा सकता है? तो देखिए श्रोताओं, यदि वेद पुराणों की माने और वेद पुराणों के अनुसार चलें, कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि नग्न स्नान करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। एक अद्भुत कथा स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में और कई पुराणों में वर्णित है कि एक बार देवताओं के कोषा अध्यक्ष रावण के बड़े भ्राता कुबेर, और जो देवताओं के खजाने के अध्यक्ष थे, उनके यहां दो पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम नलकुबर और मणिग्रीव था। दोनों भाई देवताओं के कोषा अध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, तो स्वाभाविक था दोनों में अहंकार था। अहंकारी प्रवृत्ति, मद्यपान करना उनका कर्म बन गया था। देखिए श्रोताओं, एक दिन की बात है कि दोनों भाई हिमालय पर्वत के निकट पहुंच करके माता गंगा में अपनी अप्सराओं सहित नग्न स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। दोनों माता गंगा में नग्न स्नान कर रहे थे, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रहे थे। ध्यान से सुनने की बात है कि नग्न स्नान करने से कितना बड़ा दंड आपको मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। उसी समय स्वर्ग लोक से देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए चले आ रहे थे। जब देव ऋषि नारद का आगमन उन अप्सराओं ने देखा तो दौड़ करके अपने वस्त्र पहन लिए। हालांकि अप्सराएं भी वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी, परंतु जैसे ही देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो अप्सराएं डर गईं और डर करके उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु दोनों दंभी और अहंकारी मद्यमय मद्यपान करके आसुरी प्रवृत्ति में जकड़े हुए थे, दोनों अहंकारी थे। और देव ऋषि नारद को देख करके दोनों ने नग्न स्नान जारी रखा, एक दूसरे पर माता गंगा के जल को उछाटते रहे, छींटे मारते रहे और जल में क्रीड़ा करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने स्वर्ग लोक से जाते हुए अब वायु मार्ग से जाते समय उस हिमालय क्षेत्र में प्रवेश किया और उनकी दृष्टि उन दोनों कुबेर के पुत्रों पर पड़ी, नलकुबर और मणिग्रीव पर, तो देव ऋषि नारद क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे डाला कि मूर्खो, तुम इसी समय दोनों जड़ हो जाओ, तुमने जो कृत्य किया है वो बड़ा ही जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। तुमने माता गंगा में नग्न होकर के स्नान किया है, तुमने जल के देवता वरुण देव का अपमान किया है और स्वयं साक्षात भगवती स्वरूपा माता गंगा के जल को अपवित्र करने का दुस्साहस भी किया है, क्योंकि तुम जिस जल में स्नान कर रहे हो वो माता गंगा का पावन जल है। माता गंगा के जल में तुमने नग्न स्नान किया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा ये शरीर बदल करके, चेतन स्वरूप बदल करके जड़ में जन्म लेना पड़ेगा। देखिए श्रोताओं, कितना भयंकर श्राप था कि
उनकी अवस्था ही बदल दी। दो प्रकार के जड़ और चेतन जीव होते हैं इस दुनिया में, लेकिन चेतन जगत में जन्म नहीं दिया। और नारद जी का श्राप था कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, तुम्हारा व्यवहार तो पत्थरों की भांति है, तुम तो हृदय विहीन हो, ये जानते ही नहीं कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो दोनों नलकूबर और मणिग्री जल से बाहर निकले, वस्त्र धारण किए और देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गए कि हे देव ऋषि, हम ये नहीं जानते थे, हमें ये ज्ञात नहीं था कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आप हमें श्राप ना दें। देव ऋषि नारद बोले, मूर्ख हो, तुम जानते हो कि मेरे मुख से निकला हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं जाता, यहां तक कि स्वयं भगवान नारायण को भी मेरे श्राप का परिणाम झेलना पड़ा है, फिर तुम कौन होते हो? तुम्हें वृक्ष तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी आयु निर्धारित किए देता हूं, समय निर्धारित किए देता हूं। जब बहुत अधिक अनुनय विनय की तो देव ऋषि नारद ने उनका समय निर्धारित कर दिया। और देव ऋषि नारद बोले कि देखिए, जिस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु यद कुल में अवतार धारण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के नाम से अवतरित होंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। चले जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ, गोकुल में चले जाइए। तो देखिए श्रोताओं, दोनों नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष बन जाते हैं। दोनों नग्न स्नान करने के कारण वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं और नंद बाबा के घर यमलाल अर्जुन के दो वृक्ष बन करके खड़े हो जाते हैं। कई हजार वर्षों तक इंतजार करते रहे भगवान श्री कृष्ण के आगमन का। और जब द्वापर युग का अंतिम चरण आया, चतुर्थ चरण आया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने यदकुल में अवतार धारण किया, यदुवंश में अवतार धारण किया माता देवकी के गर्भ से, और उन्होंने अपनी बाल लीलाएं गोकुल में की। नंद गोप के घर उनका पालन पोषण किया गया। और जब एक दिन माता यशोदा उन्हें दंड स्वरूप बांधना चाहती थी, उन्हें दंड देने के लिए प्रताड़ित करने लगी, तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को यमला और अर्जुन के वृक्षों के पास पड़े हुए एक उखल से बांध दिए गए माता यशोदा द्वारा। और माता यशोदा पानी भरने के लिए चली जाती है। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, माता यशोदा पानी भरने के लिए चली गई और भगवान श्री कृष्ण उस उखल को खींच करके उन दोनों वृक्षों के बीच में फंसा देते हैं। और जैसे ही उसको फंसाया और पूरी ताकत से खींचा तो दोनों वृक्ष उखड़ जाते हैं, दोनों वृक्ष भूमि पर गिर जाते हैं और उनमें से दो दिव्य आत्माएं नलकूबर और मणिग्रीव अपने असली रूप में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे जगतपति, आपने हमें हमारे श्राप से मुक्त कर दिया। और दोनों अपने लोक को चले जाते हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब नग्न स्नान करने के कारण नलकूबर और मणिग्रीव जैसे जो कि देवताओं के कोषा अध्यक्ष थे, उनके पुत्र थे, उन्हें भी हजारों वर्ष तक जड़ अवस्था में रहना पड़ा था। अब श्रीमान जी मुनेश यादव जी ने पूछा है कि क्या हम नग्न स्नान कर सकते हैं। वास्तविकता यह है मुनेश यादव जी कि नग्न स्नान करने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। हमें किसी भी जल स्रोत में या स्नान करते समय किसी भी बाथरूम में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, चाहे वो बाथरूम में ही स्नान क्यों ना करे, लेकिन स्नान तो जल से कर रहा है। वरुण देव इस जल के अधीश्वर हैं, वरुण देवता का अपमान कर रहे हैं आप, और वरुण देवता आपसे रुष्ट होकर के आपको धनहीन, सुखहीन और बलहीन कर सकते हैं। आप कष्टों में घिर सकते हैं,
आपके ऊपर घोर आपत्तियां आ सकती हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ये भी नहीं सोच सकते कि ये आपत्तियां आने का, विपत्ति आने का कारण क्या है। आप घोर विपत्ति में फंस सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी जल में नग्न स्नान ना करें, विशेषकर किसी भी तालाब, कुआ, नदी में घुस करके नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और जो लोग नग्न स्नान करते हैं उन्हें दंड मिलता है, उन्हें एक घोर पाप का भागी माना जाता है। और हो सकता है यदि प्रभावित जलधारा हो तो उसमें बह करके, डूब करके उनका प्राणांत तो वहीं हो जाए। उन्हें इस बात के लिए भी दंडित किया जा सकता है, उन्हें इतना बड़ा दंड भी मिल सकता है। और यदि आप अपने बाथरूम में नग्न स्नान कर रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना तय है। आपके घर से सुख संपत्ति वैभव का जाना निश्चित है। आप ये नोट कर लें। तो इसलिए सभी विद्वानों से, सभी श्रोताओं से मेरा ये आग्रह है कि कभी भी नग्न स्नान ना करें। जब भी स्नान करें तो शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे पितर मौजूद होते हैं। यदि गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए तो गरुड़ पुराण में एक लेख आता है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारे पास अपने पितृगण मौजूद होते हैं। और आप सोचिए, क्या अपने पितरों के सामने नग्न स्नान करोगे? नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उनकी सुख संपत्ति नष्ट हो जाती है, वो दुखों को भोगते हैं और कष्टों में फंस जाते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो देखिए श्रीमान मुनेश यादव जी, आपने पूछा था कि क्या नग्न स्नान करना उचित है। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नग्न स्नान ना करें। शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य रखें तब स्नान करें। चाहे आप बाथरूम में स्नान कर रहे हो, किसी कुआं पर कर रहे हो, कहीं भी हैडपंप हो या कोई नदी हो या कोई तालाब हो, कभी भी नग्न स्नान करना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कई वेद पुराणों के अनुसार मैंने आपको ये जवाब दिया है जो सर्वथा उचित और न्याय संगत है, धार्मिक है। कभी भी नग्न स्नान नहीं करें। इसी के साथ आपसे लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।